नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम यहाँ डिस्कस करेंगे मैथ्स के 25 क्वेश्चन जो कि ईएसआईसी यूडीसी 2019 के एग्जाम में पूछे गए थे। और मैं बताऊंगा कि इन 25 क्वेश्चन को कैसे बनाना है आप लोगों, ठीक है, कौन से क्वेश्चन को पहले बनाना है और कैसे आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और अंत में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से मैथ्स के इंपॉर्टेंट को इस साल आपको देख के जाना चाहिए जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो दोस्तों आपके तैयारी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ईएसआईसी यूडीसी एमटीएस या स्टोनो की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। हमने पिछले क्लास में रीजनिंग हमने देखा था जहां पे 25 क्वेश्चन हमने देख लिया था, ईएसआईसी यूडीसी के प्रीवियस ईयर 2019 के क्वेश्चन देखा था। अभी हम मैथ्स को देखेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर सेट का मैथ्स को देखेंगे कि मैथ्स में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर 2019 में, ठीक है। इसी प्रकार का कुछ लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे मैंने लिख दिया है और पहला क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा, ऑप्शन में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 26 का 40, 50, x, 110, 190, 350। अब इनके बीच में आपको लॉजिक समझना है कि क्या लॉजिक होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गैप निकालते हैं। तो यहाँ 10 का गैप निकल गया, यहाँ गैप निकालेंगे तो यहाँ गैप निकल जाएगा, 80 का गैप निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ गैप निकालेंगे तो 160 का गैप निकल जाएगा, मतलब हमने समझ लिया कि यहाँ डबल किया गया होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 10, 20, 40, 80, 160, तो जो गैप है वो डबल होते गए हैं। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि सही आंसर 70 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 27 को देखिएगा। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 3 लिखा गया है, उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे 3 लिखा गया है, उसके बाद 4.5 लिखा गया है, उसके बाद यहाँ पे 9 लिखा गया है, उसके बाद यहाँ पे 22.5 लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या किया गया होगा, यहाँ पे 1 से गुना किया गया होगा, 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाना चाहिए, ठीक है, 3 को 1 से गुना किया गया होगा, उसके बाद 3 को 1.5 से गुना किया गया होगा, ठीक है, 3 गुना में 1.5, 4.5 आ जाएगा, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद 4.5 गुना में 2, उसके बाद ये 2.5 से गुना किया गया, ठीक है। इसका मतलब पहले क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा 6 रहा होगा, या मान लीजिए x है, हम लोग को नहीं पता है कि x है, x होगा, x को 1/2 मतलब 0.5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, मतलब यहाँ x का वैल्यू 6 आ जाएगा। तो यही आपको 6 निकालना था कि पहला नंबर क्या होगा, 6 होगा। तो देख सकते हैं लॉजिक दोस्तों आसान होता है, एक पॉइंट पे आता है, एक गैप पे आता है, एक गैप के गैप पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे सभी हम देखेंगे नंबर सीरीज में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, यहाँ लिखा गया 120, ठीक है, उसके बाद 156, उसके बाद यहाँ देखिएगा 156 के बाद यहाँ पे 156 के बाद यहाँ 205 के बाद देखिएगा x से मतलब क्वेश्चन मार्क, उसके बाद देखिएगा 350, उसके बाद देखिएगा 450। अब देखिए यहाँ पे 36 हो जाएगा, यहाँ पे ये 49 होना चाहिए, तो यहाँ पे ये 64 होना चाहिए क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर होगा। ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 264 इसमें ऐड कीजिएगा तो 269, ऑप्शन में दिया हुआ है 269, देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन सही हमने बना दिया, तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। तो बेसिक कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, 1000 लिखा गया है, 99 मतलब 1 घटाया गया, फिर 9 घटाया गया, फिर यहाँ पे कितना घटाया गया, यहाँ पे 900, फिर 64, ये भी मुझे परफेक्ट स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले तो ज्यादा क्लियर होगा, 1000, 999, 991, उसके बाद 964, उसके बाद आप देखेंगे 900 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा, और यहाँ पे 27 हो जाएगा ना, 27 होना चाहिए, ठीक है ना, 27 होगा, और यहाँ पे 64 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 8 होगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब,
और यहाँ 5 का क्यूब मतलब 125 घटा दीजिए, तो 125 आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 775 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 775 आना चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 775। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30। ये दोस्तों 5 नंबर का फिक्स है, 5 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं अगर आपका लॉजिक सही बैठ गया तो, नहीं बैठा तो इसमें आपको फंसना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डैश है, उसके बाद यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 23 है, उसके बाद यहाँ पे 95 है और यहाँ पे 479 है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कितना हो गया, 16 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 72 होना चाहिए ना, यहाँ पे गैप निकालेंगे तो 72 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गैप निकालेंगे तो 72 हो जाएगा, बट मुझे लगता है कि ये लॉजिक कुछ काम नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ और हमें सोचना होगा। 7 से 23 कैसे आएगा, 7 गुना में 3 प्लस में 2, 23 गुना में 4 प्लस में 3, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो हम सही जा रहे हैं, तो इसी तरह 3 गुना में 1 प्लस में 0, ऐसा कर सकते हैं, मतलब 3 ही आएगा। 3 गुना में 2 प्लस में 1 है, 7 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक लगा सकते हैं। इसी तरह हम आगे जाते, 95 गुना 5 करते प्लस में 4 करते तो ये आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह का लॉजिक हम लगा सकते हैं। यहाँ लॉजिक क्या बना आपका, एन मल्टीप्लाई में एक्स है, प्लस में 0, 1, 2, 3 ऐसे करके जा रहा है, ठीक है ना, बढ़ती जा रहा है। ये 5 क्वेश्चन हमने आसानी से बना लिया। तो इसी तरह के आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब देखिए मिसलेनियस आ गया, तो मिसलेनियस को फिलहाल अभी स्किप करते हैं, हम बाद में बनाएंगे मिसलेनियस को, क्योंकि एग्जाम में भी आपको बाद ही में बनाना है, पहले आप बनाइएगा तो फंस जाइएगा, ठीक है ना। पहले आपको क्या करना है, जो आसान क्वेश्चन है उनको बनाना है, जो छोटे क्वेश्चन दिखे उनको बनाना है। अब जैसे ये DI है, अब DI दोस्तों ज्यादा हार्ड नहीं होगा तो इसको हम बना सकते हैं, ठीक है। इससे पहले सिंप्लीफिकेशन भी बना सकते हैं, उससे क्या होता है कि विश्वास बच्चों का ज्यादा आता है। जब आप आसान क्वेश्चन बनाइएगा ना तो आपके अंदर विश्वास ज्यादा आएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि पहले आसान क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद आप हार्ड क्वेश्चन की तरफ जाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ बुक अवेलेबल मंथ है, इशू बुक है प्लस में डिड नॉट इशू बुक, मतलब जो इशू बुक है और जो बुक है नहीं इशू है, दोनों को ऐड कीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ बुक निकलेगा। और यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल बुक दिया गया है और टोटल नंबर ऑफ इशू बुक दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन इसका दिया गया होगा, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बुक इशू इन अप्रैल और जुलाई, कब का देखना है, अप्रैल प्लस में जुलाई, ठीक है, इसका रेशियो निकालना है किसके साथ। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, अप्रैल एंड जुलाई टुगेदर टू द रेशियो ऑफ बुक है डिड नॉट इशू मार्च एंड जून, कब का, मार्च प्लस जून, ये नॉट वाला है, डिड नॉट है। अब वापस क्वेश्चन की तरफ चले जाइए, बैक कीजिए, क्वेश्चन को देखिए। अब यहां देखना है अप्रैल और जुलाई में जो नंबर है उसको ऐड कीजिए, ठीक है, अप्रैल और जुलाई में देखिए जो नंबर है उसको ऐड कीजिए। तो यहां देखेंगे 250 बुक आ जाएगा, जो टोटल बुक इशू वाला 250 बुक आ जाएगा अप्रैल में, और जुलाई में 600 आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 850 हो जाएगा, ठीक है, 850 हो जाएगा। बटे में डिड नॉट इशू वाला में देखेंगे तो मार्च में 150 है, मार्च में 150 है, मतलब घटा के निकालेंगे इसमें से, ये टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल बुक है उसमें से घटा देंगे तो डिड नॉट इशू का निकलेगा, तो 150 प्लस में 250, तो ये आ जाएगा 85/40, 10 से 10 पहले काट दिया हमने, और यहाँ पे जो रेशियो निकल जाएगा ये कितना निकल जाएगा, 17:8, 5 से काटिएगा 17 बार में, 5 फिर 40 होता है, तो ये भी क्वेश्चन हमने बना लिया। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 39 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, पर नहीं ये तो 38 हमने बना लिया, 39 टोटल नंबर ऑफ बुक है इशू इन अप्रैल इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर बुक अवेलेबल बुक इन मई, तो अप्रैल को ऊपर रखना है, मई को नीचे रखना है, ठीक है, अप्रैल को ऊपर मई को नीचे, ठीक है, और इसका परसेंटेज निकालना है। टोटल नंबर ऑफ बुक है इशू इन अप्रैल इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल बुक और इशू बुक के बीच में रेशियो निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा, बैक जाते हैं हम,
ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्रैल में इशू हुआ है 250, तो 250 को ऊपर। और मई में अवेलेबल देखिए, मई में अवेलेबल बुक कितने हैं, मई में अवेलेबल बुक है 350, तो मई में अवेलेबल बुक है 350, 10 से 10, 5 5 5 7 गुना में 100 करेंगे तो ये 500/7 हो जाएगा। अब इसका परसेंटेज निकालिएगा तो कितना निकल जाएगा, 71 फ्रैक्शन 3/4% निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, 40वां देखिएगा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुके डिड नॉट इशू इन ऑल गिवन 5 मंथ। ठीक है, देखिएगा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुके डिड नॉट इशू इन ऑल गिवन 5 मंथ। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक इशू, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुके डिड नॉट इशू ऑल द गिवन 5 मंथ। तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको घटा के निकालना होगा और सबको ऐड करके बताना होगा। ठीक है, डिड नॉट इशू बुक्स, तो पहला देखिएगा मार्च में 150, ठीक है, मार्च में 150। उसके बाद यहाँ देखिएगा 200 बुक आ जाएगा अगले मंथ में, उसके बाद फिर से 200 बुक आ जाएगा घटाइएगा तो, उसके बाद फिर से 250 आ जाएगा, और 250 दो बार, मतलब लिख ही लीजिए 250। ठीक है, और सबको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, सबको ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, सबको ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐड करके निकाल सकते हैं। हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 40 होगा, सबको ऐड कीजिएगा तो आपका 1050 आ जाएगा, सबको ऐड कर लीजिए आपका 1050 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऐड करके आप देख लीजिएगा 500 900 1050। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बुके इशू इन द मंथ ऑफ मार्च जून मई और जुलाई। बुक इशू, ठीक है, बुक इशू देखना है तो बैक जाते हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन बैक जाके देखना होगा। ठीक है, तो इन चार मंथ का हम लोग को निकालना है एवरेज, तो ये 400 आ जाएगा बुक इशू। मार्च का हो गया कितना, बुक इशू 400, उसके बाद जून का हो जाएगा 450। ठीक है, मार्च जून, उसके बाद मई का हो जाएगा 150, मई का देखना है, मई का 150, उसके बाद जुलाई का बोला गया तो ये 600 हो जाएगा, सबको ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1600, 4 से भागा दीजिएगा तो 400 एवरेज आ जाएगा। ठीक है, यही चीज आपको निकालना था, तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, 4 मंथ का जितना भी बुक इशू हुआ था उसको ऐड करना था, निकालना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने बना लिया 41वां। अब 42वां देखिएगा, 42वां आपका क्वेश्चन क्या है, 42वां क्वेश्चन अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब मैथमेटिक है, सिंप्लीफिकेशन पहले बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन आप जल्दी बना सकते एग्जाम में। देखिए यहाँ लिखा गया 25% ऑफ 25% ऑफ एक्स इक्वल टू में 400 प्लस में 60, तो सबसे पहले 460 हो जाएगा, 25% मतलब 1/4 ऑफ एक्स हो जाएगा ऑफ है, और ये 46 चौके कितना हो जाएगा, 46 चौके जो भी हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 92 184, 184 पे 10 मतलब 1840 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 10 सेकेंड का समय में भी नहीं लगेगा, जल्दी से बना सकते हैं, 40% ऑफ है 5/8, तो 40% को 40/100 लिखिए, 5/8 लिखिए, गुना में क्या करेंगे, गुना में यहाँ लिखेंगे 2/9 लिखेंगे, 2/9 लिख दिया हमने, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुना में 450 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 450 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 से 10, 5 से 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, और यहाँ पे 4 से 2 बार में कट जाएगा, और 18 गुना ये 9 से 9 25 हो जाएगा, और ये 2 से कटेगा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो ऑप्शन में 25 है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी हमने बना लिया काफी आसानी से। अब देखिएगा, अब अगला क्वेश्चन तो ऐसे ही बना सकते हैं, 324 का स्क्वायर रूट 18 होता है, और यहाँ पे 961 मतलब 29 होता है, तो ये 47 देखिए, 47 ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे 31 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 31 हो जाएगा,
841 होता है शायद, 31 हो जाएगा मतलब 49 हो जाएगा, तो 49 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 49 मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आपको स्क्वायर रूट याद है तो आप आसानी से जोड़ के इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। आगे देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया 270, 270 भागा, पूरा भागा चला जाएगा 45% ऑफ है 200, मतलब 100, 200 का 2 जीरो तो कट जाएगा, मतलब 90 हो जाएगा, यहाँ पे 90 से 3 बार में ये कटेगा, 45 आपका आंसर हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 40 में ऐड होगा। तो आगे अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 में आपसे लिखा पूछा गया यहाँ पे कि 5500 बटे में x माइनस में 25 माइनस में 60, यहाँ 33% मतलब क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 33% का मतलब क्या हो जाएगा, 33 यहाँ पे 100/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 100/3, परसेंटेज का 100 नीचे जाएगा, यही कट के क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा, 1/3 गुना में 60 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब ये 60 उस साइड जाके ऐड होगा, नहीं ये 20 उस साइड जाके ऐड होगा, तो ये कितना बन जाएगा, 2750 बन जाएगा। ठीक है, 2750 बन जाएगा। ठीक है, अब नीचे लिखते हैं 2750 गुना में x माइनस में 25 इक्वल टू में 5500, ये लिखा है, 10 से 10 काटिए। अब यहाँ पे 25 से कटेगा, 25 11, 25 से ये 11 से भी तो कट जाएगा ना, या 25 से काटिए, 11 से 25 बार में, 11 से ये 50 बार में, 2 बार में। ठीक है, मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस 25 है तो इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 27 आपका आंसर दे देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 हमने बना लिया, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48 को। 48 में वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, 49 में भी वर्ड प्रॉब्लम है और 50 में भी वर्ड प्रॉब्लम है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम को बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास अब ऑप्शन नहीं बचा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो हम बच जाते हैं बैक, 50वें क्वेश्चन को ही बनाते हैं। अब इसमें भी जो क्वेश्चन आसान लगे उनको बनाइए, ठीक है ना, जो क्वेश्चन आसान लगे उनको बनाइए, क्योंकि 18 क्वेश्चन अभी तक आपने बना लिया होगा, अगर आपने सिक्वेंस में बनाया होगा तो। वर्ड प्रॉब्लम को शुरुआत में बनाइएगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा और आपसे बनेगा भी नहीं, तो ध्यान में रखना है कि वर्ड प्रॉब्लम आपको लास्ट में बनाना है। आप देखिए, ए बोट कवर अपस्ट्रीम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन 6 आवर, 6 घंटे में 2 पॉइंट ए से बी के बीच की दूरी तय करता है, सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में 4 घंटे में कवर करता है। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम, बोट का स्पीड दिया हुआ है तो 8 अपस्ट्रीम में प्लस हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम में माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू में टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहां पे 8 प्लस में s, डाउनस्ट्रीम में प्लस हो जाएगा, स्पीड तेज हो जाएगा, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो इसलिए माइनस किया हम लोग, यहां पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। आगे देखिएगा, ऐसे भी आप लोग को समझना है कि अपोजिट जाएगा तो स्पीड प्लस होता है और एक दूसरे के मतलब ऐसे आएगा ना, तो स्पीड क्या होगा, प्लस होगा, इस तरह से आएगा तो स्पीड प्लस होगा और सेम डायरेक्शन में चलेगा धारा के तो स्पीड माइनस हो जाएगा, तो ये चीज आपको समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, और ये चीज हमने क्या किया है, वेलोसिटी इंटू में टाइम किया है, वेलोसिटी इंटू में टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम मतलब डिस्टेंस है इक्वल टू में डिस्टेंस होता है, आने जाने दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो वही चीज को हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका एस का वैल्यू निकल जाएगा, एस मतलब क्या हो जाएगा, एस मतलब क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी यू माइनस वी हो गया ना, तो यू वी हो जाएगा शायद, तो स्ट्रीम का स्पीड निकल जाएगा, तो इसको सॉल्व कीजिए, तो 48 हो जाएगा माइनस 6 एस हो जाएगा, उसके बाद 32 हो जाएगा प्लस 4 एस हो जाएगा, ये दोनों ऐड करेंगे तो 10 एस हो जाएगा,
और इन दोनों को घटा लेंगे तो 16 हो जाएगा, मतलब एस इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 1.6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इसी चीज को हम लोग को निकालना था। 49 देखिए, 49 देखिएगा, 49 भी क्वेश्चन आसान है। यहाँ देखिएगा, अर्जुन कामनी मंथली इनकम इज 1/3 ऑफ अर्जुन मंथली इनकम। इफ द अर्जुन मंथली इनकम इज 55,000 देन एनुअल इनकम ऑफ कामनी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं सेलेक्ट करके, जो क्वेश्चन आपको आसान लगते हैं उनको सेलेक्ट कीजिए और बनाइए। तो अब देखिएगा अर्जुन का कितना है, 55,000, मान लीजिए 55 रुपए है, 1,000 बाद में देखेंगे। और यहाँ क्या लिखा गया, 350 लिखा गया, कामनी का 3/5 है, ये 5 से 11 बार में, मतलब ये 33 हो जाएगा, 33 रुपए मान के चलिए, 1,000 को बाद में देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्या लिखा गया, एक साल का निकालना, तो एक साल से गुना करेंगे 12 मंथ से, तो ये कितना आ जाएगा 396, इस पे 3 जीरो लगा लीजिए, तो 396,000 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 396,000 पहले ऑप्शन में ही दिया हुआ है। आगे एक लाइन का क्वेश्चन है, आसान से बना लीजिएगा। मोहन अर्न ए प्रॉफिट 25% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 12,500, ठीक है, 12,500 में बेचेंगे तो 25% का प्रॉफिट होता है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, ध्यान से देखिए, प्रॉफिट और लॉस कितना होता है, सीपी पे होता है, 25% मतलब 125% का प्रॉफिट होता है, जो भी अगर प्रॉफिट होगा तो 100 में ऐड होगा, लॉस होगा तो 100 में से माइनस होगा, और कितना होता है 12,500 काटिए, एक बार में 100 बार में कटेगा, मतलब सीपी था 10,000, सीपी कितना हो जाएगा 10,000, यही चीज पूछा हुआ था, तो ऑप्शन में देखिए 10,000 दिया हुआ है। देख सकते हैं तीन क्वेश्चन कितने आसानी से हमने बनाया, सिंपलीफिकेशन के ये क्वेश्चन हमने बता दिया आपको। देखिए 42 क्या लिखा है, आउट ऑफ द टोटल बुक इशू इन जून द रेशियो ऑफ हिंदी टू इंग्लिश इज 4:5। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, तो इस क्वेश्चन को चाहे तो आप, लंबा क्वेश्चन है इसलिए टफ मैंने बोला, क्वेश्चन तो टफ नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन को चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, पहले छोटे क्वेश्चन को बनाना चाहिए फिर लंबे क्वेश्चन की तरफ आप जा सकते हैं। अब यहाँ बोला गया कि हिंदी और इंग्लिश का अनुपात है 4:5, व्हाइल द रेशियो ऑफ हिंदी टू इंग्लिश अवेलेबल इन जून 9:5, ठीक है, 9:5, ठीक है। उसके बाद फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इशू नंबर ऑफ बुक आर द इंग्लिश टू हिंदी इन द मंथ ऑफ जून। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रह गया, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना डीआई का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन किसका है, डीआई का क्वेश्चन है, तो डीआई का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, ठीक है, या इसको हम अंतिम में बता देंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41, फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ बुक इशू इन मंथ ऑफ मार्च जून। ये तो हमने देख लिया, ये डीआई का क्वेश्चन है, सब हमने देख लिया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको घुमाने का कोशिश किया गया, देखिएगा 88 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सिल्वर इज ड्रॉन इन टू ए वायर 4 mm इन डायमीटर, डायमीटर दिया गया 4 mm, द लेंथ ऑफ वायर मीटर में आपको निकालना है लेंथ ऑफ वायर। तो पहले हम क्या करते हैं, ये जो डायमीटर दिया है ना 4 mm, इसको क्या करते हैं सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, उसके बाद हम लोग रेडियस निकालते हैं, तो रेडियस कितना हो जाएगा 4/2, मतलब 4/2 कितना हो जाएगा 4/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको अगर सेंटीमीटर में बना देंगे तो 4/20 हो जाएगा, ठीक है, 4/20 हमने बना दिया, अब ये बन गया सेंटीमीटर में, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 4/20 मतलब 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हो जाएगा, हम ये सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, वॉल्यूम जो हो जाएगा सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच लगेगा इक्वल टू में 88 लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 22/7 और 1/25 गुना में क्या हो जाएगा, गुना में क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, ये हम लोग अननोन है और यहाँ पे 88 हो जाएगा, तो 22 चौके हो जाएगा 2500 मतलब 700, यहाँ पे जो हम लोग को निकालना था वो 700 निकल जाएगा, ठीक है, ये एच क्या निकल गया 700 निकल गया, ये 700 मीटर निकल गया। अब यहाँ पे 7 हो जाएगा, 100 से भागा देंगे, सेंटीमीटर ये निकला ना, तो 100 से भागा देंगे तो आपका मीटर में आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, बैट्समैन स्कोर 220 रन विच इंक्लूड 6 बाउंड्री एंड 16 सिक्सेस।
व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्कोर डिड ही मेक रनिंग बिटवीन विकेट विकेट। अब यहाँ देखिएगा 220 रन बनाता है वो, कोई बैट्समैन 220 रन बनाता है उसमें से 16 छक्का लगाता है, तो 6 गुना में 16 96 रन छक्का से बना लेता है, ठीक है। उसके बाद 6 बाउंड्री मतलब 6 गुना में 24, 4 चौका है 24 रन, टोटल 120 रन बनाया, तो 100 रन उसने दौड़ के बनाया होगा, तो 100 बटे में ये दिख रहा है आप लोगों को, 100 बटे में क्या हो जाएगा 220 हो जाएगा, गुना में 100 हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज में निकाल लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कीजिए, यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 10 से 10 11 और यहाँ 50, मतलब ये 500 बटे में 11%, ठीक है। तो ये बन गया, तो ये भी क्वेश्चन आसान था, तो ऐसे क्वेश्चन को चुन के बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 ध्यान से देखिएगा। 35 में लिखा गया है कि ये ट्रेन 250 मीटर लॉन्ग पासेज ए मैन रनिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड इन द अपोजिट डायरेक्शन विच द रेन इज ए ट्रेन होगा ट्रेन इज ए गोइंग इन 20 सेकेंड देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन आपको निकालना है, तो हम लोग को नहीं पता है कि स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, वो नहीं पता है, बट हम लोग को पता है कि वेलोसिटी इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, और यहाँ पे 20 क्या दिया गया है, वेलोसिटी दिया गया है, तो हम लिखते हैं v इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब इसी को अप्लाई करते हैं, तो ये 20 हो गया, कितना लिखा गया 20 लिखा गया ना, 20 सेकेंड टाइम, टाइम टाइम क्या हो जाएगा, टाइम अगर निकालेंगे टाइम इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, टाइम हो गया 20 सेकेंड, अब डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा 250 मीटर, क्योंकि आदमी को पास करेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आदमी और खंभा को। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 अपोजिट है, और इसका जो हो जाएगा ये x मान लीजिए, ठीक है, इसको क्या मान लिया हमने x मान लिया, ठीक है, ट्रेन का जो वेलोसिटी है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, x का वैल्यू निकालिएगा, तो वो आ जाएगा आपका 7.5 आ जाएगा, ठीक है, आप निकाल के देख लीजिएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 7.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आगे देखिएगा 34वां क्वेश्चन देखिएगा, ए स्टार्टेड ए बिजनेस 4000 आफ्टर 5 मंथ, बी ज्वाइन करता है 3200 रुपए से इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ द एंड है 1540। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ए जो है 4000 रुपए 40 लिख लेते हैं 12 मंथ के लिए लगाता है, और बी जो है 7 मंथ के लिए 3200 रुपए लगाता है, ठीक है, 20 हमने काट लिया है पहले से, तो ये जो रेशियो निकालिएगा प्रॉफिट में 15 और 7 हो जाएगा, मतलब 15 हिस्सा ए को मिलेगा 7 हिस्सा बी को मिलेगा। अब प्रॉफिट होता है कितना, 1540 होता है, प्रॉफिट कितना होता है 1540 होता है, और यहाँ पे बोला गया है कि ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, ए को 15 हिस्सा मिलेगा, टोटल कितना हिस्सा है 22 हिस्सा है, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 22 से 7 बार में मतलब इसको मिल जाएगा 1500 रुपए मिल जाएगा, ए को कितना मिलेगा 1540 में से 1050 रुपए मिल जाएगा। अब देखिएगा आगे कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्टेंड ऑन ए सर्टेन अमाउंट 2 ईयर एट द रेट ऑफ 20% पर एनम इज 1320, ठीक है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेंड सेम अमाउंट 10% पर एनम के लिए निकालना है। तो क्वेश्चन दोस्तों आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, तो इस क्वेश्चन को चाहे तो आप बना सकते हैं, पहले प्रिंसिपल निकाल लीजिएगा, प्रिंसिपल निकालने के बाद बना सकते हैं, ठीक है, मैं आपको केवल हिंट दे देता हूँ, आप लोग बना लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन में सीआई दिया हुआ है, तो 1320 प्लस में प्रिंसिपल, ये अमाउंट बन जाएगा, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है पी इंटू में 1 प्लस में आर बाई 100 मतलब 120 हो जाएगा 2200 दो साल के लिए। यहां से आपको पी निकालना है, पी जो भी आएगा उसको सिंपल इंटरेस्ट में पुट कीजिएगा और ऐसा ही आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं, ऐसा इक्वल टू में क्या होता है, ऐसा इक्वल टू में पीआरटी अपॉन में 100 होता है, पीआरटी अपॉन में 100, रेट आपको 10 दिया हुआ है, टाइम आपको 2 साल दिया हुआ है, ठीक है, तो निकाल लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा 600, निकाल के देखिएगा 600 आपका आंसर आ जाएगा ऐसा ही, ठीक है, तो ये आप निकाल लीजिएगा। आगे यहाँ कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है। आगे देखिएगा
ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 10 दिन, बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 15 दिन एंड कैन डू सेम वर्क इन 20 दिन। ठीक है, उसके बाद ए बी सी, सी के बारे में बोला गया होगा कि सी जो है 20 दिन में काम करता है। ए बी सी एक साथ काम करते हैं तो उनको कितना समय लगेगा इस काम को पूरा करने में। ठीक है, उनको कितना समय लगेगा इस काम को पूरा करने में, ध्यान से देखिएगा। आप किसी भी तरह बना सकते हैं, जो बेसिक मेथड होता है उससे भी बना सकते हैं, जैसे कि 1/10 प्लस में 1/15 प्लस 1/20। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 60, 6, 4, 3, 13/60, इसको उल्टा कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा 60/13। अब फ्रैक्शन में दिया होगा तो फ्रैक्शन में आप बना लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रैक्शन में आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 4/8/13। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ 2 पर्सन एम और एन इज 63। हाँ, एम और एन का जो एज है ना वो 63 साल है। एज का प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा आसान होता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा दिया है। 4 ईयर एगो द रेशियो ऑफ देयर एज इज 3:2, मतलब 4 साल पहले, मतलब प्रेजेंट में 4 और 2x प्लस में 4। ठीक है, ये दिख रहा हो, ये प्रेजेंट एज हो गया और ये हो जाएगा 63 साल के आसपास। अब यहाँ पे 5x हो जाएगा और ये 4 4 8 होगा जो कि यहाँ पे जाके घटेगा तो ये 55 हो जाएगा, मतलब यहाँ से x इज इक्वल टू में 11 निकल जाएगा। ये आपने निकाल लिया x इज इक्वल टू में 11। ठीक है, अब देखिएगा देयर रेशियो इज 3:2 हो गया, तो व्हाट विल बी द एज ऑफ m 2 ईयर हेंस, 2 साल बाद m का एज कितना हो जाएगा। तो m का एज है 35 साल हो जाएगा, 3x की जगह पे 11 को पुट कीजिएगा, 2 साल ऐड कर दीजिएगा तो 35 साल। ऑप्शन में देखिए 35 साल दिया हुआ है तो ऑप्शन में 35 साल नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है, क्योंकि ये 4 साल प्रेजेंट एज तो ये है ना, 4 साल पहले का दिया हुआ था, तो एम का जो एज हो जाएगा यहाँ पे 33, 4, 37 और 2, 39 साल हो जाएगा। सही से देखिएगा 39 साल, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो हमने लगभग सारे क्वेश्चन देख लिए। ठीक है ना, हमने सारे क्वेश्चन देख लिए, तो ऐसे ही कुल मिला के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो 25 क्वेश्चन दोस्तों हमने देख लिया। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और इसी तरह के क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अब एक बार मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, किन किन टॉपिक का आप रिविजन करके जाइए। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इनको अच्छे से कवर कीजिए। उसके बाद ये पहला टॉपिक हो गया, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, नंबर सीरीज मिसिंग होगा रॉन्ग होगा, ये दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है। नंबर 3 पे देखिए डीआई टेबुलर, ज्यादा अच्छे से देख के जाइएगा क्योंकि प्रीलिम्स में यही पूछा जाता है। ठीक है, बेसिक जो पूछा जाएगा। नंबर 4 में आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देख लीजिएगा, पिछले साल पूछा नहीं गया था बट इस साल पूछा जा सकता है। नंबर 5 में आपसे डेटा सफिशिएंसी में भी पूछा जा सकता है बट बहुत कम चांस है। ठीक है, नंबर 6 में ये नहीं देख भी के भी जाएगा तो चलेगा, नंबर 6 में अर्थमेटिक मतलब वर्ड प्रॉब्लम में, यहां मैं लिखता हूं SI CI एज एवरेज, यहां से तो क्वेश्चन आ ही जाएंगे, एज एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट लॉस PL डिस्काउंट टाइम एंड वर्क मेंसुरेशन पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप पे ये सब टॉपिक भी देख लीजिएगा, जितना मैंने बोर्ड पे लिखा गया तो भी आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन देख लिए 2 क्लास में। पहले क्लास में हमने 25 क्वेश्चन रीजनिंग के देखे थे और 25 क्वेश्चन हमने मैथ्स के देखे थे। तो जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते थे दोस्तों हमने देख लिया, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे तो इसी आधार पे आपको इस बार भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये MTS UDC और स्टेनो तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।